एजेंसी में जितने भी लोग काम करते हैं सभी के लिए इस तरह के एक फॉर्म का लिंक दिया गया, इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो। सीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, सीएससी में जितने भी एली काम करते हैं सभी के लिए यह फॉर्म जारी किया गया। इस फॉर्म को आपको फिल करना ही होगा। इस फॉर्म को फिल करने का लिंक आपको कहां से मिलेगा और इस फॉर्म को फिल करके आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है और साथ में इस फॉर्म को आपको किस तरह से फिल करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कंप्लीट और सटीक जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। सिविल विभाग सीएससी की तरफ से जो नया फॉर्म को जारी किया गया इसको फिल करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और वहीं पर इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। जैसा कि आप सभी बीएलई को मालूम होगा कि आयुष्मान पोर्टल BIS 1.0 से 2.0 हो गया है, इसीलिए जो बीएलई की आईडी मैप नहीं हुई है वे लोग अपने डिटेल नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भर दें। आईडी वही अप्रूवल होगी जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन पोर्टल से करते हैं और सभी सर्विस में एक्टिव है। तो बीएलई भाई आपको आईडी एक्टिव करने के लिए अपने सीएससी पोर्टल से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना होगा और साथ ही में सीएससी के सभी सर्विस के बारे में आपको किस तरह से काम करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहती है। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है और इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से गूगल फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। बिल भाई इस फॉर्म को फिल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फील्ड को गलत नहीं भरना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट रहेगी, आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। 12 डिजिट का सीएससी आईडी डाल देना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सीएससी टाइप जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सीएससी आईडी क्रिएशन डेट का इसको आपको फिल कर लेना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और सीएससी की तरफ से आपको BIS 2.0 पर एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आयुष्मान कार्ड में काम कर पाएंगे और आपकी आईडी अच्छे से वर्क कर पाएगी। इस कमाल की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।